भागलपुर रेलखंड की दो लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन कैंसिल किया गया है और आज इस वीडियो अपडेट में बात करेंगे दोनों ही ट्रेनों के लिस्ट के बारे में और इनके डिटेल्स के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की ओर से अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन आगामी 9 जून को भागलपुर से नहीं चलेगी। ट्रेन 7 को जम्मू तवी से कैंसिल रहेगी और भागलपुर गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को भी कैंसिल किया गया है और यह ट्रेन 6 जून को यहां से नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा भागलपुर से गांधीधाम के बीच यह स्पेशल ट्रेन बनकर चलती थी और सोमवार को इस ट्रेन के कैंसिल रहने से पैसेंजरों को गांधीधाम जाने के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के गोंडा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से ट्रेनों का परिचालन कैंसिल किया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण भागलपुर रेलखंड की उक्त ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनों के कैंसिल रहने से यात्रियों को परेशानी होगी और इधर बांडेल से मागरा रेलवे स्टेशन के बीच थर्ड लाइन के इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 मई से ही कई ट्रेनें कैंसिल होकर चल रही थी और इन दौरान कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया था। देवघर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो इन ट्रेनों का संचालन को लेकर के बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन नंबर 05626 गुवाहाटी देवघर एक्सप्रेस ट्रेन अगले 10 फेरा तक चलती रहेगी और इसकी जानकारी आसनसोल पीआरओ के अधिकारी ने दिया है नई नोटिफिकेशन के माध्यम से। 26 जून तक इन ट्रेनों का 5 फेरा लगाया जाएगा और प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन गुवाहाटी से प्रस्थान करेगी। इसके अलावा देवघर गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन 27 जून तक दूसरे दिशा में 5 फेरा लगाएगी। सोमवार को यह ट्रेन देवघर से प्रस्थान करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो अपडेट आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो को आगे शेयर करें, साथ ही नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।